बताएंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सच। छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकार नारा देती है, चलो स्कूल चले हम। आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा सवाल उठाती है। छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे स्कूल जाए हम। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, प्रधानमंत्री जी इस तस्वीर को देख लीजिए। छोटे छोटे मासूम पढ़ने के लिए ऐसे नदी को पार करते हैं। स्कूल जाने के दौरान जिंदगी के सबसे बड़े सच का सामना करते हैं। तस्वीर में आप जिन बच्चों को देख रहे हैं ये ऐसी एक नहीं, सात नदियों को पार करके स्कूल जाते हैं। जब स्कूल से लौटते हैं तो फिर से सात नदियों को पार करके घर आते हैं। नदी में इस वक्त पानी कम दिख रहा है, ये ऐसी नदियां हैं जिसमें अचानक पानी बढ़ जाता है। जब पानी बढ़ जाता है तो ये बच्चे स्कूल में रुक जाते हैं, तब स्कूल में ही रात गुजरती है। तब ये बच्चे देश के प्रधानमंत्री को याद नहीं करते, राज्य के मुख्यमंत्री की याद इनको नहीं आती, बस ये भगवान से दुआ करते हैं कि हे भगवान नदी का पानी कम कर दो। इसके आगे और हैरान करने वाली तस्वीर है। ये छोटा सा मासूम जो अभी अभी चलना सीखा है, स्कूल जाते वक्त ये देखिए कितनी लंबी सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। अगर पैर फिसल जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, स्कूल भी तो जाना है। दरअसल नदी पर पुल बन रहे हैं, अभी वो पुल अधूरे हैं, इसलिए कुछ दूर तक पुल पर चलते हैं, फिर सीढ़ी के सहारे पुल से नीचे उतरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। आपको बता दें कि ये छोटे छोटे मासूम रोजाना यूं ही स्कूल जाते हैं। दूर दूर के गांव से बच्चे साइकिल लेकर आते हैं, लेकिन नदी आती है तो साइकिल हाथ में उठाकर नदी को पार करते हैं। बस समझ लीजिए, पढ़ाई के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देते हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के कांकेर की है। कांकेर के ठेमा स्कूल के ये बच्चे हैं। जरा सोचिए, स्कूल जाते वक्त या स्कूल से आते वक्त जोर की बारिश हो जाए तो क्या होगा। नदी में कभी भी पानी बढ़ सकता है। जिंदगी का ऐसा इम्तिहान रोजाना शायद ही कोई देता हो, जो ये मासूम देते हैं। आसपास के गांव के बारे में सोचिए, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। कांकेर से इंडिया न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।